वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीदें जगी है, ये कोई और नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आश्वस्त कर रहे हैं कि भारत में वैक्सीन कुछ हफ्तों में आने वाली है। ऐसे में मान लेना चाहिए कि कोरोना की महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए जल्दी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि सरकार स्पष्ट बताए कि वैक्सीन कब तक आएगी। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उसके बाद हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, हम जानेंगे कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी स्थिति क्या है और कितने दिनों बाद ये आएगी, और साथ में सबसे बड़ा जो सवाल है कि इसको लगाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। दुनिया की नजर अब भारत की वैक्सीन पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद अपने संबोधन में कहा कि कुछ ही हफ्तों में भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले कोरोना के टीके के विकास के कार्यों की समीक्षा के लिए अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा भी किया था। इस यात्रा का उद्देश्य टीकाकरण में भारत के प्रयासों में आने वाली चुनौतियों, तैयारियों, रोड मैप जैसे पहलुओं पर जानकारी हासिल करना था। इसी प्रक्रिया में आज पीएम का सर्वदलीय बैठक के बाद संबोधन भारतीयों के लिए आशा की किरण लेकर आया है। दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत ने भी कोरोना की महामारी को झेला है। यहाँ के जीवन पर इसका असर भी पड़ा है, इसीलिए इस बात की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है कि कब वैज्ञानिक हरी झंडी दिखाएं और वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाए। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के चरण में हैं। भारत के लोगों ने भी इस साल फरवरी मार्च के बाद एक डरावना और तरह तरह की आशंकाओं से भरा एक दौर देखा है। कोरोना के डर के साए में इस बात का बेसब्री से प्रतीक्षा की गई है कि कब वैक्सीन तैयार होकर आए। 2020 में भारत के लोगों ने कठिन समय देखा, लेकिन अब साल ये आखिरी पड़ाव निराशा को तोड़ते हुए उम्मीद जगा रहा है। जिस दृढ़ता से पीएम ने वैक्सीन को लेकर संभावनाएं जताई हैं, उससे लगता है कि अब वैक्सीन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। भारत के लिए बात महत्व रखती है कि कोरोना का कहर छाते ही जहां कोरोना वॉरियर मदद पहुंचाने के लिए अपने काम में जुटे, वहीं देश में वैक्सीन तैयार करने का काम तेजी से होने लगा। इसका ही परिणाम है कि कोरोना से लड़ता हुआ भारत अब ऐसे मुकाम पर है कि वो वैक्सीन बना देगा। निश्चित ही वैक्सीन का आना भारतीय चिकित्सा विज्ञान की एक बड़ी सफलता के तौर पर रेखांकित होगा। कोरोना ने भारत के लोगों को केवल आर्थिक तौर पर नहीं तोड़ा, बल्कि मानसिक व्यथा से भी लोग गुजरे हैं, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है। लेकिन अब जहां अर्थव्यवस्था के सुधरने के संकेत मिल रहे हैं, वही माना जा रहा है कि महीनों नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैक्सीन को लेकर जितना इंतजार है, उतना ही इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि वैक्सीन का वितरण किस तरह से होगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि एक खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने का काम करेगा। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर है। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। वैक्सीन की कीमत और पहले वैक्सीन किन लोगों को उपलब्ध होगी, इन तमाम पहलुओं पर विचार हो रहा है। ऐसे समय में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। अच्छा संदेश ये भी गया है कि भारतीय लोगों ने इस कठिन दौर को अपनी जीवटता से झेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। हमारे साथ डॉक्टर अनमोल बगारिया है, फाउंडर एंड सीईओ हैं। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद भी जल्दी जुड़ जाएंगे जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। और हमारे साथ डॉक्टर नारायण जीत
मेडिसिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट दून मेडिकल कॉलेज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आना चाहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें, लगातार कोरोना को लेकर पूरा साल हमारा लगभग चला गया, ऐसे में अब एक उम्मीद जगी है कि वैक्सीन जल्द आने वाली है। तो वैक्सीन जल्द आने वाली है, उसे लेकर आपको क्या लगता है? और जिस तरह से लगातार हर जगह से ऐसे बयान आ रहे थे कि जल्दी वैक्सीन आ जाएगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब आकलन था, लेकिन अभी क्योंकि देश के अंदर एक ये बयान भी आया है काफ़ी अच्छे लोगों का कि सभी लोगों की इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे हम कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि होगा क्या, वैक्सीन आएगी वास्तव में कब तक, और लगने की जो स्थिति है बता सब रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से अलग अलग बातें हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर नरेश चावला? देखिए, मैं स्पष्ट कुछ बातें कहूंगा जी। जब से कोरोना पूरी दुनिया में लास्ट नवंबर 19 में चाइना में पहला केस हुआ था जी, और फरवरी में एक केरला की एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि चाइना में ही पढ़ रही थी जी, वो आया था, उसके बाद से पूरा देश का हर इंसान, कोई गरीब कोई अमीर, कोई पीड़ित कोई ना पीड़ित, चिलमिला रहा है कि कब हम बच पाएंगे, कब बच पाएंगे। तो ये बहुत ही कठिन और एक दिमाग को तकलीफ देने वाली स्थिति है, बट कुछ सच्चाइयां हमें फेस करनी चाहिए जी। पहली सच्चाई ये है कि आज तक जो वैक्सीन बनती आई थी उसको बनने में दो दो तीन तीन चार चार साल लगते थे जी। तो पहले तो मैं वैज्ञानिक कम्युनिटी को बधाई दूंगा कि उन्होंने वक्त की नजाकत देखते हुए वैक्सीन काफी जल्दी बनाई है, बना रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो दूसरे देशों में हो जी। तीसरी बात कि इससे पहले कि वैक्सीन आवे जी, हम हमेशा जो लोग इसमें कंसर्न हैं और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उसे एक ही बात कही जाती है कि हमें वैक्सीन जल्दी तो चाहिए, लेकिन उस जल्दी से ज्यादा हमें ऐसी वैक्सीन चाहिए जो इफेक्टिव भी हो और सेफ भी हो, और उसके सारे फील्ड ट्रायल्स, जिसको कि हम लास्ट ट्रायल फेज 3 ट्रायल होता है, वो अच्छी तरह हो चुका हो। ऐसा ना हो कि जल्दी में हम ऐसी वैक्सीन पाएं जो इफेक्टिव ना हो जी। तो आपने सुना होगा सिर्फ परसों के दिन ही यूके ने एक फाइजर कंपनी की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है जो कि -70 डिग्री सेल्सियस पे सस्टेनेबल है, तो यानी कि उसका दिल्ली या हिंदुस्तान में आना पॉसिबल नहीं है जी। अब जो हमारी सच्चाई तो यह है कि हमारे हिंदुस्तान के 4 प्रोजेक्ट्स लगातार चल रहे हैं, एक जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जिसको कि एस्ट्राजेनिका एक फार्मा कंपनी साथ में उसके साथ है, और हमारी सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इसको कि यहाँ मैन्युफैक्चर करने वाली है। हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें इस वैक्सीन से हैं, और इसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी पुणे में सिर्फ 5 दिन पहले यहां से गए तो उसपे हमें बहुत उम्मीदें हैं। इसके अलावा एक स्पुटनिक वैक्सीन है जो कि रशियन वैक्सीन है, उसमें भी काम ठीक ठीक चल रहा है, वो उसको भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाने वाली है। इसके अलावा 2 वैक्सीन और भी हैं जिसपे जो कि एक भारत बायोटेक बना रही है और जिसमें ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में ट्रायल्स चल रहे हैं। ये सब वैक्सीन फील्ड ट्रायल्स में है, सबके ऊपर दबाव है कि वैक्सीन जल्दी लाई जाए, लेकिन जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी का एक ही दबाव है, जो वैक्सीन आवे वो एक इतनी कामगर वैक्सीन होनी चाहिए कि जिससे फायदा भी हो, ताकि एक झूठी उम्मीद ना आवे, दूसरा वो सेफ भी हो, उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना होए। इसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर राज्य का प्रशासन और हर प्रांत का प्रशासन इस काम में अग्रसर है कि किन लोगों को वैक्सीन ज्यादा मिले। तो इसमें मैं स्पष्ट कहूंगा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जी, जो कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं या वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल्स आती हैं, नर्सिस आती हैं, ऑब्वियसली दे विल बी द फर्स्ट क्लेमेंट फॉर द वैक्सीन। इसके अलावा और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज या दूसरी बीमारियां हैं वो भी होंगे, बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमन को ये लेट लगाया जाएगा। तो कुल मिला के हमारे देश में एक खांचा बनाने की जरूरत है, एक ऐसी नेटवर्किंग बनाने की जरूरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 3.5 लाख डॉक्टर्स इस काम के लिए तैयार खड़े हैं, और नेटवर्क तैयार हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, बट जरूरत है ऐसा कारगर नेटवर्क बनाया जाए कि जैसे ही वैक्सीन आवे एवरीथिंग इज पुट
मोशन और जितने जो लोग जो बेचारे तड़प रहे हैं, ना केवल वो शारीरिक रूप में पीड़ित हैं, इवन मानसिक रूप में ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से एक ऐसा भय बिल्कुल और पैनिक क्रिएट एकदम हो गया है। श्यावला जी, बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग तड़प भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और इसमें मानसिक जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि डर जो है वो बहुत ज्यादा इसमें अहम है, और सब लोग जो डरा हुआ सेटअप है उसे लेकर ही सबकी उम्मीदें ऐसी हैं कि हाँ किसी तरह वैक्सीन आ जाए, तो आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर अनमोल भी हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें, एक जो डर है, एक डर तो है कि भाई ठीक है सामने है, एक मानसिक डर भी है लोगों के अंदर कि अगर कोरोना हो गया तो क्या, तो वैक्सीन के बाद शायद वो डर अब धीरे धीरे कर कर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अहम एक और बात हो जाती है कि वैक्सीन आ गई है, ये सोच कर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं ढीले में, हल्के में ले लेते हैं कि यार चलो अभी वैक्सीन तो आने लग रही है, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? और ये कितना हम कहेंगे, एक बात जो और सामने आ रही है कि जो जो हमारे पास जो लोग हैं, ये कहा जा रहा था कि एक श्रेणी है कि भाई 50 साल से ऊपर के लोगों को इसमें खतरा ज्यादा है, या जिसको कुछ बीमारी है, या सांस की बीमारियां जिसको हैं, और बच्चों में अभी तक उतने ज्यादा लक्षण नहीं देखे गए, उससे लेकर भी हम चाहेंगे थोड़ा स्पष्ट एक आप कर दें कि इसके जो कोरोना है उसे लेकर और वैक्सीन को लेकर जो बहुत सारे भ्रम अभी भी चल रहे हैं। और एक बात और आप ये भी बताएं कि जिस तरह से लोग अभी ये सोचकर हम कहेंगे कि वो हल्के में ले लेते हैं कि अरे वैक्सीन आ गई है, बस अगले हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला ही है अब कुछ नहीं होगा, तो वो जो हल्कापन हो जाएगा उसे लेकर भी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, वैक्सीन तो जब आएगी, जब लगेगी, जब पहुंचेगी, वो तो अभी बहुत समय लगने वाला है, लेकिन हालात पर बात हो और जो लोगों के अंदर एक जागरूकता है वो लगातार बनी रहे, उसे लेकर ही हमारा एक खास मकसद है कि आप सब लोगों के द्वारा बताई जाने वाली जो बातें होती हैं वो शायद लोगों की समझ में आ जाती है और वो इसको, इस वैक्सीन को हल्के में ना ले, कम से कम तब तक तो जब तक लग ना जाए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनमोल। मैं इस विषय पे ये कहना चाहूंगी कि हमारा देश एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी आबादी वाला देश है। जब कोरोना के कुछ केसेस थे भारत में, तब गवर्नमेंट की दी गई गाइडलाइंस और जो भी रूल्स रेगुलेशन सब बनाए थे गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ये सब फॉलो कर रहे थे, क्योंकि तब जैसा कि आपने कहा कि लोगों के मन में काफ़ी डर था। और अब जैसे वैक्सीन अवेलेबल हो रही है और काफ़ी जो चीज़ें आ गई है कि ट्रीटमेंट है, जो ड्रग्स अभी दिए जा रहे हैं कोविड पेशेंट्स को, तो लोग अभी थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमने तब, जब बड़े से बड़े समर्थ देश जिनके पास हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा था जिससे जिसकी तो हम भारत में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तब हमने बहुत अच्छे से उस बीमारी का सामना किया था और हमारे देश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। पर अब जो सेकेंड वेव और जो अब वापस से फैलना चालू हो गया है कोविड, वो सबकी लापरवाही के वजह से है। अगर हम अभी थोड़ा सा जिस तरीके से सब कर रहे थे, जिस तरीके से सब सपोर्ट कर रहे थे, अगर वही चीज हम वापस चालू कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन आएगी पर इतनी बड़ी जनसंख्या में अवेलेबल होना एक बहुत बड़ा टास्क है मैं कहूंगी, और वो कितनी लाभदायक होगी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। काफी टेस्ट और ट्रायल्स किए गए हैं, बट जब वो इतने मास पॉपुलेशन में लगेगा, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है हमारे सामने। मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, इनिशियली जब वैक्सीन बन रही थी तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जो वायरस है वो हर जगह अलग अलग फॉर्म्स में आ रहा था, मतलब अलग अलग तरीके से वो अपना साइज बदल रहा था, अपना वो सब चीजें बदल रहा था, अपना रूप बदल रहा था। इस वजह से जो वैक्सीन, जो जैसे पहले रशिया ने वैक्सीन बनाई थी तो वो वैक्सीन फेल हो गई इसी कारण से, और इसी कारण से अब जब थोड़ा चीजें कंट्रोल में आई है, जब जब ग्राफ नीचे जा रहा है, तब जब चीजें कंट्रोल में आ रही है और इस वजह से जो वैक्सीन अभी आ रही है वो सब चीजें प्रॉपर हो रही है, तो इसमें हमें एक इसमें हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कर रही है इस पैंडेमिक में भी, तो हमें भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना चाहिए। मैं यही दरख्वास्त करूंगी जो हमें आज जनता देख रही है कि हम सब एक इस देश के नागरिक है, और इस जब हमने इतना सब कुछ किया है तो अभी कुछ महीनों की बात और है, अगर हम
थोड़ा सा संभल के चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर संभल कर चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कोरोना बिल्कुल, से, अगर संभल कर हरा चले तो देंगे ये बहुत सभी लोग कहते हैं, कह रहे हैं, और अभी तक तो है लेकिन कहीं ढिलाई ना हो जाए। मेरे साथ डॉक्टर नारायण जीत जी भी हैं। डॉक्टर नारायण जीत, एक सवाल इसमें सबसे अहम और है, जो हम लगातार बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सामने आए उसका जवाब। क्या कोरोना जिसको हो जा रहा है उसके बाद दोबारा अगर किसी को कोरोना हो जाए, ऐसे कुछ लक्षण या ऐसे कुछ केस भी आपके सामने आए हैं? क्योंकि एक सवाल ये कोद रहा है कि यार मुझे अभी तो कोरोना हुआ था, मैं अभी 14 दिन क्वारंटाइन होकर आया हूँ, कैसे कैसे लड़कर मैंने वापसी किया, उसके बाद भी मैं मास्क वास्क पहन के फिर भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसे केसेस आए हैं कि दोबारा से किसी व्यक्ति को एक बार हुआ और दोबारा कोरोना हो गया हो? क्या ऐसे कुछ सिम्टम्स, क्या ऐसे कोई चीजें या कुछ और ऐसी, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, या कहीं पे भी इस तरीके के लक्षण वाले इस तरीके की चीजें सामने आई हो? डॉक्टर नारायण जी, जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत से केसेस हमने देखने को हमें देखने को मिले। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी जी आ रही है, हेलो बोलिए जी। हेलो, देखिए देखिए, इसमें बहुत से केसेस, तो हमने ये देखा है कि बहुत से केसेस हमें देखने के लिए मिले हैं। बोलिए, आवाज आ रही है जी। बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जो कि दोबारा इन्फेक्टेड हुए हैं। इनकी वजह से क्या हुआ है कि जैसे जो पेशेंट आज मान लीजिए इन्फेक्टेड होके हमारे पास एडमिट होके गया, 14 दिन के बाद में जब हमने उसको डिस्चार्ज किया, या पहले वो अपने घर चला गया, उसके बाद में जब वो रूटीन में अपने वर्क्स पे जाता है, तो शायद कई बार ऐसा होता है कि वो अपना प्रोफाइल एक्सेस छोड़ देता है, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइजेशन है, तो इन्फेक्शन के चांसेस पूरे रहते हैं। अभी जो हमने रिसेंटली देखा है, जो ट्रेंड देखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोरोना हो गया तो उसको एंटीबॉडीज़ बनी जाएंगी, क्योंकि जो कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए जो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर किसी 100 पेशेंट में कोरोना हुआ है, तो उसमें से ऐसे 50 से 60% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उस टाइम एंटीबॉडीज़ बनती ही नहीं है। तो वो जो एंटीबॉडीज़ है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ को लेके चलते हैं, तो वो जब नहीं बनी तो पेशेंट का इन्फेक्शन के चांसेस जो नॉर्मल आदमी उससे तो कम होते हैं, बट उसकी वजह से वो जो एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तो अगर वो दोबारा से किसी के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। पर इसमें ये रहता है कि कई बार इनमें ये है कि जी अगर इसको दोबारा कोरोना हो गया तो क्या होगा। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास पेशेंट, जी डॉक्टर साहब इसको तो मुझे तो दोबारा हो गया, ये इसमें मेरे को दिक्कत ज़्यादा होगी, या मेरे को मैं सेफ सेफ हूँ इसमें। इसके बारे में यही कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि एज ग्रुप क्या है, उसके साथ कोमॉर्बिटीज़ क्या है। जैसे जी मान लीजिए किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, सांस की बीमारी, ऐसे पेशेंट में अगर रिपीटेड इन्फेक्शन होता है तो उनमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। बट अगर यंग पर्सन है या जो अभी इन्फेक्शन होके गया है, जो रिकवर किया है रिसेंटली, ऐसे पेशेंट में अगर दोबारा कोरोना होता है और उसमें कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो सारा खेल सिर्फ इस बात पे है कि उस पर्सन में एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी है। तो नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि अगर कोई थोड़ा डाउट में रहता है तो वो एंटीबॉडीज़ टाइटर करवा सकता है, 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ टाइटर किया जा सकता है। वो जो एंटीबॉडीज़ टाइटर है वो जी एक तरह से प्रोटेक्टिव है, जैसे हम कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ पर्सन में बनी, जी वो जो एंटीबॉडीज पर्सन में बनी उसका कन्वर्जन प्लाज्मा थेरेपी में हम यूज़ करते हैं। बट जैसा आपने कहा कि एक तो सबसे बड़ा कारण डॉक्टर अनमोल, डॉक्टर चावला भी जो बातें बोल रहे थे उनमें यह था कि लोगों ने प्रोफाइलेक्सिस लेना छोड़ दिया कि अब तो कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, अब जी मेरे को तो कोरोना होके निकल गया तो मुझे दोबारा नहीं हो सकता। ये दो चीज़ें हैं वो दिमाग से निकालनी पड़ेगी। हालांकि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो हमारी अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है उसके बाद में जो डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा आपका फैमिलियर हो जाता है वो एंटीजन बॉडी के लिए, जी तो उसकी वजह से वो जो अगर आपकी कॉमोर्बिडिटीज नहीं है तो वो इतना इफेक्ट इतना फर्क नहीं डालेगा बॉडी पे। बट जी जिनमें कॉमोर्बिडिटीज है, दोबारा इन्फेक्शन होता है, दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम। जी सो नहीं सबसे बड़ी बिल्कुल, बात यही है कि हमें अभी प्रोफाइलेक्सिस लेना है जब तक वैक्सीन ग्राउंड पे नहीं आ जाती। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर अनमोल, एक और सवाल आपसे हम लेंगे कि जिस तरह से आयुर्वेद को भी लेकर अब की बार भारतीयों ने बहुत ज़्यादा विश्वास जताया और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला, इसे आप देश के लिए कैसे मानती हो? और आप देखेंगे कि इस आयुर्वेद को पूरे विश्व ने सराहा है, और
यहाँ भी एक कोशिश ऐसी चल रही है कि कुछ ना कुछ चीजें आयुर्वेद से भी निकल कर आए जिससे कि ये जो कोविड का रिएक्शन है वो और ज्यादा कम हो सके। तो आयुर्वेद में जो शोध हुए हैं, आयुर्वेद जिस तरह से अब की बात आगे बढ़कर आया, एक तरफ योग भी हुआ, एक तरफ बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आयुर्वेद को एक कहा जाता था कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ दिखता था, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करने में थोड़ा हिचकिचाते थे। लेकिन अब की बार आप देखेंगे तो अब की बार काढ़ों का बहुत ज्यादा जोर रहा, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कितना शुभ संकेत आप इसे भारत के लिए मानती हैं, डॉक्टर अनमोल? संकेत आप इसे भारत के लिए मानती हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी में सारे ब्रांच, जो भी मेडिकल के जो भी सारे फील्ड्स है, हेल्थ केयर की सारी फील्ड्स है, चाहे वो एलोपैथी हो, वो आयुर्वेदा हो, जो भी सारी ब्रांचेस है, वो सारी ब्रांचेस अगर हम इसका जो ट्रीटमेंट अगर हम एनालाइज करें, अगर ट्रीटमेंट देखें कि क्या ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये सारी ब्रांचेस का कुछ 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 अंश मिलाकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे काढ़ों ने हमारा सपोर्ट किया है, वैसे ही विटामिन सी, जिंक सप्लीमेंट, जो भी विटामिन सप्लीमेंट्स है एलोपैथी वाले, वो उन्होंने उसके साथ एक अच्छा इम्यूनिटी पावर बढ़ाया है जितना, क्योंकि वो तो पुरानी चीजें हैं हमारी जो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, बट वो चीजें हमारी छूट गई थी। आज ये महामारी के दौरान हमने सारी अपनी पुरानी आदतों को सबने वापस से अपनी लाइफस्टाइल में डाल दिया है, और साथ ही साथ जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है आज वो बहुत सपोर्टिव है हमारे ट्रीटमेंट्स में। आज जो भी ड्रग्स दिए जा रहे हैं पेशेंट्स को, जो उन्हें जो सिम्टम्स और साइंस जो है, मतलब जो लक्षण है बीमारी के, उसे कम करने के लिए, उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन दी जा रही है, वो कितनी लाभदायक है। और उसके साथ साथ जो हमारे ये आयुष के नुस्खे हैं, जो हमारे आरोग्य सेतु ऐप से जो पहले इनिशियली गाइडलाइंस चालू हुई थी, तो ये सब सबका मिला जुला असर है जो आज हम इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। बट कुछ महीनों से अभी फिर से ही वो चीजें आ रही है कि लोग चीजों को भूल रहे हैं, और फिर वापस से हमारा सेकेंड वेव दिख रहा है। आज दिल्ली है, बॉम्बे है, ये सिटीज वापस से अफेक्ट हो रही है, जब इतनी बड़ी चेन वो तोड़ चुके थे, अब फिर से वही चेन में संक्रमण चालू हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है। और हम अभी बहुत ही, हम कहेंगे अभी भी हमें बहुत सारी केयर रखनी होगी। वैक्सीन जब आएगी आएगी, लेकिन अभी तो लड़ाई हम कहेंगे बहुत लंबी है, लंबी चलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में वैक्सीन का आना, ये भी अपने आप में एक बड़ा, हम कहेंगे एक चमत्कार होगा कि हर किसी को वैक्सीन मिल जाए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और चर्चा जारी रहेगी। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी, तो ये वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें टिकी हुई है। बहुत सारे लोग जो परेशान हैं वो देख रहे हैं कि किसी तरह से वैक्सीन आए और जो हालात चल रहे हैं उनसे किसी तरीके से इस तरीके की कोरोना जैसी महामारी से निजात मिले। और आप देखेंगे लगातार लगातार पूरा विश्व ये कह रहा था कि भारत के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि भारत के अंदर कोरोना का क्या असर रहेगा, क्या होगा, वहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ा हायोल्ला पूरे हर जगह चल रहा था। लेकिन ऐसे नहीं हमें भारतीय कहा जाता है, हालातों से लड़ना, हालातों से लड़ना हमें आता है। और ये हर भारतीय ने दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, जीते भी। और देखे कि भारतीय वैज्ञानिकों ने लगभग लगभग जो चीज़ें थी कि वैक्सीन आएगी उस ओर भी हमें लेके चले गए। तो अपने आप में बड़ा अहम है डॉक्टर नरेश चावला। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, कहीं ना कहीं देश के वैज्ञानिक भी बधाई के पात्र हैं, डॉक्टर्स भी बधाई के पात्र हैं, और जिस तरह से हमारे सभी लोग जिन्होंने कोरोना से इस लड़ाई में मुश्किल हालातों में अपने आप को लगाकर रखा और अपनी जान हथेली पर रखकर हम सबकी जान बचाई, वो सभी बधाई के पात्र हैं। आप एक सवाल डॉक्टर नरेश चावला ये भी था कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती जा रही है कि यदि आप मास्क लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सांस की बीमारी हो जाएगी,
कहीं ना कहीं आपके फेफड़े कमजोर होंगे, उससे लेकर हम चाहेंगे, क्योंकि सारी चीजें इस तरीके की गलतफहमियां, इस तरीके की अफवाहें भी फैलती हैं, और शायद ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से देश के अंदर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीमारी बढ़े या किसी तरीके से अफवाहें फैलाकर अपना काम निकल जाए लोगों में, इस तरीके का भय पैदा करते हैं। उसे लेकर भी हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं, क्योंकि ये जो एक बात है ये भी बहुत अहम है, और दूसरी एक और बात बड़ी अहम ये रही है कि जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, हम कह रहे हैं कि ऐसा क्या कोई जरिया भी है कि ये पहचान पाए? ऐसे भी भ्रम फैल रहे हैं कि भाई आप अपनी इम्यूनिटी चेक करा लो कि आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, तो ये सारे भ्रम भी आजकल चल रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे डॉक्टर नरेश चावला? पहले तो ये दो सवाल जो आपने स्पेसिफिक पूछे हैं इनका जवाब मैं एकदम बाद में दूंगा। कुछ जो दो वक्ताओं ने अपने विचार किए हैं तो मैं ये स्पष्ट आपके देखने वालों को बयान देना चाहूंगा कि जो वैक्सीन से उम्मीदें हैं वो एक तरफ है, वैक्सीन कितनी खरी उतरेगी वो दूसरी तरफ है, लेकिन आज की तारीख में जो मौजूदा स्थिति हिंदुस्तान में है उसमें सबसे बड़ी वैक्सीन एक ही है जिसका नाम है जो पांच सावधानियां जो आज भी लागू हैं, वो शायद आने वाले कुछ महीने और साल लागू रहेंगी। क्योंकि मैं एक ही बात बार बार देखने वालों को कहता हूं, यू हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना और COVID-19। उसके तहत जो पांच चीजें हैं कि अपने घर से फालतू बाहर मत निकलिएगा, होम इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ जहां आप टोटल सेफ हैं, दूसरा जब भी निकलिएगा मास्क फुल टाइम लगा के चलिएगा, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसी जगह जहां लोग ज्यादा हों वहां आप झुंड में शामिल मत होइएगा, स्नीज हाइजीन, कफ हाइजीन एंड लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं ईट हेल्दी। अगर ये छह गुण हम अपनाएं, वैक्सीन तो जब आएगी जैसा कि आपने कहा तब आएगी, हम बचे रहेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो हिंदुस्तान के हर देशवासी को ये मैसेज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग बात इस चीज में है कि वैक्सीन तो आने वाली है बच जाएंगे, जी ऐसा नहीं होने वाला है। मैं दो बातें कहना पसंद करूंगा यहाँ पे, डर बिल्कुल नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं, सावधानी आज भी यस, आज के एक महीने बाद भी यस, वो आज के साल बाद भी यस, क्योंकि कोरोना जैसा कि दिख रहा है इसका जो एक्यूट फेस है शायद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये शायद एंडेमिक होकर रह जाएगा, छुटपुट चलता रहेगा। तो अगर हम अपनी सावधानियां, जैसी दुनिया के कई विकसित अच्छे देश हैं जैसे जापान में है, न्यूजीलैंड में है, ताइवान में है, उनको कोई कोरोना उनके देश में खास आया भी नहीं और उन्होंने इसको आंच भी आने दी, लेकिन ये वो लोग हैं हु आर एक्टिंग स्मार्ट एंड टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। तो अगर हम इस हिंदुस्तान देशवासी भी प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हम बच सकते हैं। अब आपने एक सवाल पूछा इम्यूनिटी पे, तो ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे हम इम्यूनिटी नाप पाएं, लेकिन एक IgG एंटीबॉडीज होती हैं, वो अगर टेस्ट करवा ली जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में उस पर्टिकुलर बीमारी यानी कि COVID-19 के खिलाफ कितनी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। उससे भी कहीं बेहतर है कि जो हमारे कहते हैं ना कि हर अच्छाई में एक बुराई है और हर बुराई में एक अच्छाई है, तो कोरोना ने एक चीज तो सिखा दी है कि जो लोग हम जंक खाते थे, नॉन न्यूट्रिशियस फूड्स खाते थे, वो हम सब हिंदुस्तानियों ने काफी हद तक बंद भी कर दिए हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू सब व्यूअर्स को ये बताऊंगा, टेक प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड, आपका ये खाना आपके लिए सबसे बड़ा बचाव है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीन से भी बचाव बाद में आएगा, लेकिन एक जो जनरल इम्यूनिटी बिल्डअप है वो हमें सिर्फ फूड से मिलता है, वो एक्सरसाइज से मिलता है और प्लस नो स्ट्रेस से मिलता है। अगर आप ये तीन चीजें कायम कर लें तो मेरे हिसाब से आप बहुत ज्यादा बच सकते हैं। एक सवाल आपने पहले और पूछा था वो था मास्क को लेकर, मास्क का ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सच है, मास्क इज नॉट ए वेरी कंफर्टेबल थिंग। हम हिंदुस्तानी तो नाक पे अगर मक्खी भी बैठ जाए तो उसको पहले उड़ाते हैं, उस मास्क पे अगर 12-14 घंटे अगर हमें मास्क नोज पे अगर मास्क पहनना पड़ जाए तो तकलीफ तो बहुत होती है। तो उसके लिए टेक ए कंफर्टेबल मास्क, कोई जरूरी नहीं है कि आपको N95 मास्क लेना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको सर्जिकल मास्क लेना है, आप एक क्लॉथ मास्क आते हैं जो कि बड़े सॉफ्ट भी होते हैं और प्रोटेक्टिव भी उतने ही होते हैं, तो आप एक कंफर्टेबल मास्क लीजिएगा। लेकिन ये सोचना कि मास्क पहनने से सांस में घुटन आएगी या कोई नुकसान होगा, ऐसा सोचना सरासर नाजायज है। अपने कंफर्ट के हिसाब से लीजिएगा और उसको लगातार इस्तेमाल कीजिएगा, यही लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। नहीं बिल्कुल नरेश चावला जी, क्योंकि मास्क पहनने से कोई सांस की बीमारी नहीं हो रही ऐसा आप कह रहे हैं, यही बात हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और जोर देके बता दें दर्शकों को।
सच है कि नाक जैसी चीज और मुंह जैसी चीज जिसके सामने एक 2 या 6 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए लगातार कुछ शील्ड आ जाए तो तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन हमें व्यवहार के रूप में हमने देखा है कि धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। जी और प्लस आप हर घंटे 2 घंटे बाद या कुछ समय बाद अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो जी आप कुछ मिनटों के लिए उसको उतार भी सकते हो, उतार भी लेकिन सकते अगर हैं। आपके आसपास है या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ कम्युनिटी के दूसरे लोग हैं तो जी आप मास्क नहीं उतार सकते हैं, और ये सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है इससे कोई अस्थमा या कोई सांस की बीमारी हो सकती है, ये सिर्फ गलत सोच है, ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट है। आप घंटे 2 घंटे बाद थोड़े टाइम के लिए उतारिएगा कोई आसपास ना हो, 2-4 घूंट पानी पीजिएगा, जी आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे और इसकी जितना ज्यादा सा हो सके इसकी आदत डालिए। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बहुत आपने बहुत बड़ी बात बताई है, कहीं ना कहीं लोगों की गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। डॉक्टर नारायण जी, तो अगर हम बात करें, बहुत सारी बातें एक और हो रही थी कि भाई सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी कोरोना वैसे वैसे बढ़ेगा, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर नारायण जी, कि विटामिन को लेकर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे भ्रम मार्केट के अंदर है कि ये विटामिन लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और आप सेफ रहेंगे, उसे लेकर भी हम चाहेंगे कि कौन से ऐसे विटामिन हैं या कौन से ऐसे मल्टी विटामिन है जिन्हें लेने चाहिए रेगुलर और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, और जो सर्दी को लेकर भी जो बात चल रही है इससे लेकर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालेंगे। जी डॉक्टर नारायण जी, देखिए जैसे, हाँ जी देखिए, इसमें जैसे 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 सर्दी बढ़ रही है इसमें ये जो कहना है कि इस इसका जो ये कहना है कि सर्दी के साथ में ये कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे सर्दी बढ़ती है उसके साथ में आप में आपका जो हाइजीन है वो पुअर हो जाता है। जैसे आप पहाड़ों में चले जाइए, अपर पार्ट में चले जाइए, वहाँ ठंड और बर्फ़ की वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो थोड़ा सा हम हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे कि आपने ऐसे हाथ धोना, जो अभी गर्मियों में रूटीन ये था कि नॉर्मली कोई पर्सन हाथ धोने से या फेस धोने से या बाहर आके नहाने से हिचकिचाता नहीं था, मगर जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा एक कॉमन सा पॉइंट है जिसे हम इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से ये जो बाहर से जो कंटामिनेशन लेके आया पर्सन वो जो ओरल रूट है उससे या नोज से आपके फेफड़ों में जा सकता है। इसकी वजह से थोड़ा सा कह रहे हैं कि जो संक्रमण बढ़ेगा और बढ़ा भी है हमारा, ये सबसे बड़ा कारण हमने आ रहे देखने में यही आ रहा है। तो बेहतर यही होगा कि एक तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो पूरा प्रोफाइल एक्सरसाइज, चाहे मास्क है, सैनिटाइजेशन है, और घर में आकर वही प्रिकॉशन फॉलो करें जो आप पहले करते थे, सर्दियों से पहले फॉलो करते थे। जी एक तो कंजेशन की वजह से जो नॉर्मल आपका नेजल ब्लॉकेज हो गया या जो सिंपल खांसी जुकाम जो सर्दियों में होते हैं वो नॉर्मली भी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर खांसी जुकाम सिर्फ कोरोना को ही इंडिकेट करता है। जी एक तो इस चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा हाइजीन है उसको हमें मेंटेन करके चलना है तभी हम इस चीज़ से बच पाएंगे। जो दूसरा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा वाइटामिन्स के बारे में, देखिए जितने भी वाइटामिन्स हैं वो उनका मेन काम है ऑक्सीडेटिव, एक जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जैसे कोई बैक्टीरियल या वायरल या कोई भी इन्फेक्शन हुआ, अब वायरस सिर्फ कोरोना को नहीं लेके चल सकते, कोई भी इन्फेक्शन है जो बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है तो ये जो वाइटामिन्स है वो एंटी ऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो रेडिकल्स बनाते हैं वो क्या करते हैं इनको इनकी जो वायरुलेंस है उसको कम करते हैं या इनका मल्टीप्लिकेशन कम करते हैं, जो इनका इफेक्ट होता है वो कम होता है। तो इसमें जो वाइटामिन सी है और जिंक, विटामिन सी है इस सीज़न में काफ़ी, जैसे आप ले लीजिए ऑरेंज है, मौसमी है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं तो इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट ही बेसिक चीज़ है जो कि किसी भी इन्फेक्शन को, कोरोना ही नहीं किसी भी इन्फेक्शन की जो वायरुलेंस है उसको कम करते हैं। इसलिए जैसे ही आप, सबसे पहली चीज़ है कि आप जो सीजनल फ्रूट्स हैं पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स हैं वो यूज़ करें। दूसरा, अगर आप विटामिन अलग से लेना चाहते हैं तो विटामिन सी, जिंक और जो ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं ये जो बॉडी का डिफेंस है वो बढ़ाते हैं। आप जितनी भी आयुर्वेद की चीज़ें हैं वो कहते हैं कि जी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी इसको लेने से, उनका बेसिक जो पार्ट होता है वो यही होता है कि वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करते हैं। तो ये अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर ये वाटर सोलेबल विटामिन हैं तो इसमें अगर आप एक्सेस में भी लेंगे तो इनका कोई ऐसा मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट
जो कुछ विटामिन डी या ये जो फैट सॉल्युबल होते हैं जो बॉडी में कलेक्ट होते हैं, जी वो लंबे समय तक हाई डोजेज में लिए जाएं तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप फ्रूट से नेचुरल चीजों से आप जो बिल्कुल विटामिन कहीं ना कभी कहीं भी नारायण बॉडी जी में बहुत जाकर अच्छी वो बात है आपको प्रॉब्लम आज आपने नहीं बताई। करेंगे, ये सबसे सब बड़ी बातों को बात है। देखना भी चाहिए कि सर्दियों जो के साथ चीजें हैं कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसे सोचना चाहिए, देखना चाहिए और फालतू की चीजों पर विश्वास और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हमारे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी आपका स्वागत है। डॉक्टर जगदीश, अगर हम बात करें कोरोना को लेकर वैक्सीन की, उसके अलावा वर्तमान के हालात की और वैक्सीन का सब लोगों तक पहुंचना उसकी, तो डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी क्योंकि आप तो पूरी मुहिम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं की हैं, कैसे डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी कैसे अब जो वैक्सीन आ रही है उसे लेकर कैसे वो वैक्सीन सब तक पहुंचेगी, किस तरह से उसके जो हम कहेंगे इफेक्ट्स सामने आएंगे या बहुत सारी चीजें, क्या वो सिक्योर रहेगी और किन किन लोगों को वो लग सकती है, किन की आवश्यकता और किन को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी एक सवाल डॉक्टर जगदीश प्रसाद लगातार हम रहा है सामने कि बहुत सारे लोगों के अंदर यह है कि मुझे वैक्सीन पहले चाहिए। ऐसा भी ना हो जाए कि जो हमारा धैर्य है उस धैर्य से अलग जाकर हम लग जाए लाइनों में कि नहीं हम लेंगे, तो क्योंकि बहुत सारे सवाल वैक्सीन को लेकर हैं। आप लगातार सारी चीजें देखते आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी पूरा विस्तार से बता दें कि वैक्सीन की स्थिति क्या है और वैक्सीन किस किस के लिए जरूरी है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन जो है वो इसको रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तीनों सेंटर को विजिट किया जी, और कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन इस देश में आ जाएगा जी। इसमें सबसे जो वल्नरेबल ग्रुप है वो डायरेक्ट जो हेल्थ के वर्कर हैं जी, हेल्थ वर्कर मतलब डॉक्टर है, नर्स है, जो डायरेक्टली कोविड पेशेंट को देख रहे हैं जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर वन में वो है जी। नंबर टू में हमारे हेल्थ वर्कर हैं जी, हेल्थ वर्कर जो फ्रंट लाइन में हेल्थ वर्कर हैं, जैसे पुलिस मैन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं जी, जो बाहर में लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, उन लोगों का हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जितने जी। तीसरा जो है हमारे जो एजेड लोग हैं जी, एजेड लोगों में भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन लोगों को जो कोमोर्बिडिटी से सफर कर रहे हैं, जैसे डायबिटिक अगर है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, अस्थमा है, ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर एज ऑफ द 60 जी, और इन लोगों के बाद जो बचेंगे वो ओल्ड एजों को किया जाएगा जी, उसके बाद ही किसी के बारे में सोचा जा सकता है जी, क्योंकि अभी कोविड को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा हमारे हेल्थ वर्कर को जी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगा फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर को जी, थर्ड प्रायोरिटी रहेगा कोमोर्बिडिटी पेशेंट को, और फिफ्थ जो रहेगा वो रहेगा ओल्ड एज लोगों को जी। उसके बाद देखा जाए तो प्रेग्नेंट लेडी जो कि हाई रिस्क होते हैं उनको देने की जरूरत पड़ सकती है जी। तो इसके बाद ही हम लोग सोचेंगे और पब्लिक के बारे में जी। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा शुरू में ही, और इसके लिए आई थिंक सरकार ने भी सोच लिया है, क्योंकि आपने आज सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण जी, उसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि किन लोगों को पहले दिया जाए और किन लोगों को पहले नहीं दिया जाए जी। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि वैक्सीन को राज्य सरकार और भारत सरकार पेंडेमिक है, और हम लोग ऑलरेडी अपने देश में हमारे यहाँ करीब करीब 12-13 वैक्सीन जो है वो हम लोग फ्री इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों के लिए जी, भारत सरकार करती है। तो इस वैक्सीन को भी प्राइस को कम करते हुए भी हमारे देश में तो वैक्सीन का दाम सबसे कम होगा, क्योंकि जितने वैक्सीन बन रहे हैं हमारे देश में वो स्वदेशी होंगे जी, हमें बाहर से इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, हम ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें इम्पोर्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं जी, तो हमारा वैक्सीन सब सस्ता होगा, और ये राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके इस पेंडेमिक को कोशिश करें कि इन हेल्थ वर्करों को, हेल्थ फ्रंटियर लाइन को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएं जी। डॉक्टर साहब दोनों मिलकर के इसको, डॉक्टर साहब एक और बात की, जो सेकंड वेव जिसे कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब जो सेकंड वेव है इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कितनी सावधानी अभी भी जरूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर ये हो रहा है कि वैक्सीन आ रही है और जो सेकंड वेव है वो कहीं ना कहीं हल्की है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इससे लेकर भी आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा जी। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, नहीं, वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि हम जो सोच रहे हैं हमें मास्क लगाना जरूरी है,
6 फीट के दूरी पर दूसरे से खड़ा होना बहुत जरूरी है जी। और हमें नाक आंख को टच नहीं करना है, माउथ को टच नहीं करना है। अगर उसके पहले हमें साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम हाथ को धोना जरूरी है। ये सब जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, वो हमें उस समय भी करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आपको वैक्सीन लग भी गया है तो आपको बचना पड़ेगा फिर भी, कि अभी हमें पूरा वैक्सीन के बारे में नहीं मालूम कि वो कितना दिन तक इम्यूनिटी दे सकता है और कब तक इम्यूनिटी दे सकता है। अभी हमारा वैक्सीन हो चाहे किसी को हार्ड इम्यूनिटी हो, अभी इस वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये न्यू वायरस है। इसलिए हमें सारी प्रिकॉशन तब भी लेना है जब लोगों को वैक्सीन लग जाए और जब नहीं लगे, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अरे ये हमें जो कॉशन प्रिकॉशन है, ये हमें इसको बरकरार रखने की ज़रूरत है जी। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और जो लोगों के अंदर एक मैसेज है कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बात चल रही है, ये भी कहा जा रहा है, अभी आपने तो क्लियर कर दिया कि वैक्सीन भारत के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरों को दे सकते हैं, हमें मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में जिस जो जो कंपनीज भारत के अंदर है उन्हें लेकर थोड़ा सा अगर ब्रीफ मिल जाए, थोड़ा सा एक बात हो जाए, तो वो भी थोड़ा दर्शक जान लेंगे कि किस तरह की कंपनीज हैं जो जो यहाँ पर काम कर रही हैं और कितनी जल्दी, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कुछ ही हफ्तों बाद, तो हफ्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी कंपनी इसमें काम कर रही है और उनका क्या नज़रिया है, क्या पूरे, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी आबादी है, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में कितनी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं जो लगातार केवल भारतीय हैं? देखिए इसमें बहुत सारे हमारे अभी 6 कंपनियां हैं जो काम कर रही है जी। सीरम इंस्टीट्यूट है, जायडस कैडिला है, भारत बायोटेक है, बायोलॉजिकल इवांस है, तो इन लोग जो है एक दो और लोग हैं जी। जो अभी थर्ड फेज में इन लोग का है, सीरम इंस्टीट्यूट का, भारत बायोटेक का, और जायडस कैडिला सेकंड फेज खत्म करके थर्ड फेज में इंटर कर रहा है जी। और इस तरह से बायोलॉजिकल इवांस भी शुरू कर रहे हैं, रेडी स्लैब शुरू कर रहा है। तो हमारे पास करीब करीब 6 लैब ऐसे हैं जो बनाने के लिए सक्षम हैं और बनाते रहे हैं डिफरेंट टाइप का वैक्सीन जी। तो हमें नहीं लगता है कि हमारे देश में इसकी कमी पड़ पाएगी जी। और हम थर्ड फेज से गुजर रहे हैं, और जैसे ही थर्ड फेज होगा, एक जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जी, उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम इसको कितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड फेज में जब शुरू करते हैं हम ट्रायल को, तो हम करीब हजारों की संख्या में करते हैं जी। अब उस हजारों की संख्या को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि किसी में एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुआ, किसी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, और उसकी 2 महीना का फॉलोअप देख करके इम्यूनिटी कितना डेवलप हुआ। साइंटिस्ट लोग एक तरफ से बैठ जाएं, लोगों में जागृति हमें पैदा कर, बिफोर हम लॉन्च करें लोगों में जागृति पैदा करने की भी जरूरत होनी जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में CDC में ये देखा गया कि हल्का माइल्जिया होता है, फैटिगनेस होता है, फीवर होता है, वो किसी भी वैक्सीन को लगाने से होता है। अभी तक इस वैक्सीन का कोई एडवर्स रिएक्शन जिससे कि लाइफ की बात हो, ऐसी बातें अभी तक नहीं आई है। फिर भी हम अभी इस चीज़ को पूरी तरह से बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस, देखिए हम लोगों ने पहले भी शुरू किया था, जब SARS सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक्यूट सिंड्रोम था या MERS था, तो हम लोग वैक्सीन नहीं बना पाए थे, पूरे वर्ल्ड नहीं बना पाया था जी। लेकिन इस बार कोविड का, कोरोना वायरस का वैक्सीन हम लोगों ने बहुत जल्दी बना लिया। एक काबिलियत तारीफ है सभी साइंटिस्ट को जिन्होंने बनाने के सक्षम पैदा कर लिया जी। और यही नहीं, अभी एक तरह से हमारे यहाँ एक RNA टाइप का वैक्सीन बन रहा है जो कि काफ़ी शुद्धता के साथ बन रही है जी, जो काफ़ी इफेक्टिव भी होगा। सारे वैक्सीन इफेक्टिव होंगे लेकिन इसमें ज़्यादा रिएक्शन होने का डर कम रहता है जी। तो हमारे यहाँ ये 6 जो हैं जो बना रहे हैं जी, बिल्कुल है। और 3 जो है भी प्रधानमंत्री जी ने भी विजिट किया है एंड जो कि काफ़ी सक्षम रूप में रेडी है देने के लिए जी। लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो, क्योंकि ये लोग थर्ड फेज से गुजर रहा है जी, हमें कहीं ढिलाई नहीं बरतनी होगी। जैसे डॉक्टर नरेश चावला जी ने बताया कि अभी भी जो उनकी 5-6 जो उनकी बातें हैं वो माननी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय कम है और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो हम यही कहेंगे कि जैसे डॉक्टर चावला जी ने बोला, डॉक्टर नारायण जीत ने बोला, डॉक्टर
प्रसाद ने बहुत अहम बातें हमें बताई, तो कहीं ना कहीं देश को सोचना चाहिए। और खास बात यही है इसमें कि हमें जो SOP है उसका पालन करना होगा, जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, मास्क का सैनिटाइजर का उपयोग करना है, डरना नहीं है, लड़ाई को लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। कोरोना ने देश को मुश्किल हालातों में डाला, लेकिन कोरोना से लड़ते लड़ते भारत ने अपने हौसलों को कायम रखा। कोरोना की 8 वैक्सीन ट्रायल के चरण में वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते इस पर काम शुरू हो जाएगा। केंद्र ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, वैक्सीन आने के बाद वितरण के काम में राज्यों की सहभागिता जरूरी है। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने जिस तरह इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग किया है वे सराहनीय। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे अभी तमाम व्यवस्थाएं बहुत सलीके से होंगी और इसमें हमें वैज्ञानिकों का जो परिश्रम है और जो उसके परिणाम है जो आए हैं उसका भी हमें कहीं ना कहीं धन्यवाद करना होगा, डॉक्टरों का धन्यवाद करना होगा कि अब की बार जो जल्दी से जो बात प्रसाद जी ने बोली कि कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिकों ने जितनी जल्दी से इस पर काबू किया और वैक्सीन दे दी हमें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें विश्वास भी रखना होगा और उनकी जो मेहनत है उसके लिए हमें धैर्य भी रखना होगा। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।